नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले पीएम मोदी ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल से एक 4 साल की बच्ची का वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में मिजोरम की रहने वाली एक छोटी सी बच्ची बड़े ही मनमोहक अंदाज में वंदे मातरम गा रही है। इस वीडियो को सबसे पहले मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने ट्वीट किया। लोगों के बीच इसे खूब पसंद किया जा रहा है। आपने कई बार इंसानों को प्यास बुझाने के लिए नारियल पानी पीते हुए देखा होगा, हो सकता है आप खुद भी पीते हो, लेकिन क्या कभी एक पक्षी को खुद पेड़ से तोड़कर नारियल पीते देखा है? नहीं देखा तो हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में पक्षी नारियल के पेड़ से फ्रेश नारियल तोड़कर पानी पीता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को IFS ऑफिसर सुशांत नंदा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। चीते की दहाड़ सुनकर ही लोग ऊपर से नीचे तक कांप जाते हैं, लेकिन कभी सुना है कि चीता दहाड़ना ही भूल जाए? अपनी दहाड़ से लोगों को भगाने वाले चीते की आवाज के लोग दीवाने हो गए। तो देखिए ये वायरल वीडियो। इस वीडियो में ये चीता दहाड़ने की बजाय लोगों को देखकर प्यारे अंदाज में गड़गड़ाने लगा। सोशल मीडिया पर इसे अब तक 5000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अलीगढ़ के टप्पल इलाके में नियम तोड़ने पर जब एक सिपाही ने स्विफ्ट सवार एक युवक को रोकने की कोशिश की, तो कार सवार चालक ने पहले तो सिपाही को टक्कर मारी और फिर बोनट पर गिरे सिपाही को लेकर तेज रफ्तार से भागने लगा। बाद में ब्रेक लगाकर आरोपी ड्राइवर ने सिपाही को नीचे गिरा दिया और खुद मौके से फरार हो गया। आरोपी चालक की ये सारी करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद कार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। वायरल खबरों में अगली खबर कोई वीडियो नहीं बल्कि एक ऐसी तस्वीर है जिससे हमें और आपको एक सबक लेनी चाहिए। ये तस्वीर है महाराष्ट्र के नासिक के चंद्रकिशोर पाटिल की, जिसने गोदावरी नदी को गंदा करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 24 घंटे में इस मुहिम पर डटे किशोर लगातार नदी में गंदगी फैलाने वालों को सीटी बजाकर रोक रहे हैं और विरोध करने वालों को उसी नदी का गंदा पानी पीने के लिए दे रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर किया है IFS अधिकारी श्वेता बोधु ने, जिसके बाद लोग किशोर के इस जज्बे की सराहना कर रहे हैं। वायरल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे वीकेंड न्यूज। धन्यवाद।